हेलो गाइस, मैं हूँ रीना और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के लड्डू। हाँ बिल्कुल, ये सूजी के लड्डू इतने आसान तरीके से बनाऊंगी मैं कि आप इन लड्डुओं को कभी भी और कहीं पर भी बना सकते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ भूनना, ना ही घंटों भूनना, ना ही सेकना, जिसकी बिल्कुल मेहनत नहीं होगी। और वो भी प्रेशर कुकर का यूज़ करके हम ये लड्डू काफ़ी आसानी से बहुत ही जल्दी एकदम कम घी में बनाकर तैयार कर लेंगे। और मैं यहाँ आपको 1 किलो के माप से सूजी के लड्डू बनाना सिखाऊंगी, ताकि आप किसी भी ओकेशन पर आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ हमने ले ली है 1 kg सूजी। ये वही सूजी है जो हम हलवा या लड्डू वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 tablespoon घी, और 1 tablespoon हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे दूध, और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं अभी 1 tablespoon दूध और 1 tablespoon घी ही डाल रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स करके मैं देखूँगी, अगर मुझे लगेगा तो मैं 1 tablespoon इसमें दोनों चीज़ें फिर से ऐड कर दूँगी। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी रेसिपी है, इतनी आसान रेसिपी है कि अगर बिगनर्स भी लड्डू बनाएंगे ना, तो उनके लड्डू कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसमें मोयन, तो मैं 1 tablespoon फिर से मैंने इसमें घी डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें फिर से दूध डाल दिया है। तो ये दोनों चीज़ें डालने से क्या होगा कि हमारी जो सूजी है वो सूखी सूखी नहीं रहेगी। दूध की वजह से उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा, और जो जब घी गर्म होगा सूजी के अंदर, तो उससे हमारी जो सूजी है वो प्रेशर कुकर में काफ़ी अच्छे से पक जाएगी। तो दोनों हाथों से रब करके हमें इसमें सारे जो लम्स हैं वो निकाल देना है। वैसे तो इसमें लम्स नहीं आएंगे, आप डालते जाएँ और मिक्स करते जाएँ तो बिल्कुल भी लम्स आने के इसमें चांस नहीं होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ले लिया है स्टील का डिब्बा। आपको एक ऐसा डिब्बा यूज़ करना है, देखिए, जिसका ढक्कन बहुत ही ज़्यादा टाइट हो, यानी कि हम जब इसको प्रेशर कुक करें तो ये प्रेशर कुकर के अंदर खुले नहीं। एक्चुअली मेरा ये जो डब्बा है, इसका ढक्कन काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो ये प्रेशर कुकर के अंदर जब उसमें प्रेशर बनता है तो ये खुलता नहीं है। तो हम इसको इतना भर देंगे, इतना जितना मैंने इसको खाली रखा है उतना आपको भी खाली रखना है। आप कोई भी ऐसा डिब्बा अपने घर का देख लीजिए जो प्रेशर कुकर के अंदर काफ़ी आसानी से फिट हो जाए। तो मेरा प्रेशर कुकर क्या है कि ये थोड़ा छोटा है और डिब्बे की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं आढ़ा रख कर इसमें कुछ रख देती हूँ वहाँ पर, जिससे कि ये एकदम नीचे डूबता नहीं है। और इसमें देखिए, 1 inch के करीब मैंने पानी डाल दिया है, और ये डिब्बा में इसके अंदर ऐसे इस तरीके से तो आएगा नहीं, तो मैं ऐसे आड़ा डाल दूँगी। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इसका मुंह उठा रहेगा ऊपर। और हमको इसमें प्रेशर कुक लेना है, प्रेशर कुक करना है, सीटी वगैरह लगा कर ही करना है हमें इसे प्रेशर कुक। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें गिन कर इसमें लगानी है 14 सीटियाँ। ये बैक टू बैक सीटी जब हमारा प्रेशर कुकर गर्म हो जाएगा तो काफ़ी जल्दी आ जाएंगी। 10 मिनट के अंदर हमारा ये काम हो जाएगा, और जब कुकर अपने आप ठंडा होगा उसके बाद हमें बिल्कुल सावधानी ये डिब्बा निकाल लेंगे हम उसके अंदर से। और जब आप इसको छू पाएँ तब इसको आप ओपन करें। तो अगर आप 1/2 किलो के माप से बना रहे हैं तो आपका एक ही बारी में काम हो जाएगा। तो देखिए, हमारी जो सूजी है वो पक चुकी है, अब उसका टेक्सचर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो मैं इसे डाल दूँगी डायरेक्ट एक कढ़ाई में, क्योंकि हम डिब्बा 2 बार प्रेशर कुक करेंगे, और जब हमारा दूसरा वाला डिब्बा सूजी हम उसमें डालेंगे और वो प्रेशर कुक होगी, तब तक हमारी ये वाली सूजी है ना, ये काफ़ी ठंडी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सूजी को कढ़ाई में मैंने इसलिए डाला है कि मुझे सेकना नहीं है, मुझे सिर्फ इसको गर्म करना है। तो मैंने दोबारा से फिर से वही प्रोसेस किया और सूजी को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर आपके लम्स वगैरह बन जाए ना, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आप मिक्सी में एक बार चलाएंगे ना तो आपकी सूजी फिर से बहुत अच्छे से भुरभुरी हो जाएगी। और मैंने इसमें डाल दिया है फिर से 2 बड़े चम्मच घी। 2 टेबल स्पून हमने पहले यूज़ किया था, और 2 बड़े चम्मच घी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इस सूजी को हम क्या करेंगे, घी के साथ इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ पर घी भी गर्म हो जाएगा और हमारी सूजी भी काफ़ी अच्छी गर्म हो जाएगी। क्योंकि हम जब गर्म सूजी में इसमें चीनी वगैरह डालेंगे तो वो चीनी जब मेल्ट होगी तो इससे हमारे जो लड्डू हैं उनके अंदर बाइंडिंग आएगी काफ़ी अच्छी। तो यहाँ पर हमें सूजी तो पकी हुई है, हमें उसको सेकना बिल्कुल नहीं है, हमें सिर्फ उसको गर्म करने तक इस कढ़ाई के अंदर चलाते रहना है। तो ये देखिए, हमारी सूजी है वो बिल्कुल जैसी है वैसी ही है, मैंने उसका कलर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया है। बस मैं उसको इतना गर्म करूँगी कि
उस मतलब काफ़ी सूजी अच्छे से गर्म हो जाए। अब देखिए हमारी जो सूजी है वो गर्म हो चुकी है और कढ़ाई भी काफ़ी गर्म है और इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप, सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है मैंने और हमारी जो सूजी है वो काफ़ी अच्छे से फूल गई है और वो पक भी गई है, उसका पूरा जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया है। अब मैंने यहाँ लिया है 1/2 किलो शक्कर का बूरा, हम इसमें यहाँ पर चीनी नहीं डालेंगे, अगर आप चाहें चीनी डालना तो आप 1/2 किलो चीनी को मिक्सी में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें जो चीनी का बूरा होता है वो यूज़ करूँगी। और मैंने उसमें 3-4 इलायची चीनी के साथ क्रश कर ली थी, वो इलायची पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम गरम गरम में ही इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप जैसे ही कढ़ाई गैस से उतारें उसके बाद ही आप ये सारे काम कर लें, इससे क्या होगा कि हमारे जो लड्डू हैं वो उनको भुरभुरे नहीं होंगे, उनमें थोड़ी सी बाइंडिंग आएगी। अब मैंने यहाँ लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, 1 कटोरी के करीब मैंने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, अगर आप चाहें तो डालें या नहीं डालें। और थोड़े से मैंने पिस्ता लिए हैं और थोड़े से मैंने यहाँ पर लिए हैं बादाम के कतरन, आप चारोली या किशमिश वगैरह जो भी आपको ड्राई फ्रूट खाना पसंद हो वह आप सभी डाल सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप ये सभी जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो टेस्ट है वो अपने आप में ही परफेक्ट होगा। तो आप देखिए हमारी जो सूजी है वो थोड़ी सी अभी उसमें बाइंडिंग कम आई है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, 1 गिलास के करीब हमारा यहाँ दूध लग जाएगा। तो मैंने 1/2 गिलास के करीब दूध पहले डाल दिया है और अगर मुझे लगेगा तो मैं दोबारा थोड़ा सा यूज़ करूँगी। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस मिश्रण को गीला नहीं करना है दूध से, हमें थोड़ा थोड़ा करके यहाँ दूध डाल के देखना है जब तक कि इसमें बाइंडिंग आ जाए। आप अब ये ना सोचिए कि हमने इसमें दूध डाला है तो हमारे लड्डू काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएंगे, आप इसको 1-2 दिन बाहर रख सकते हैं फ्रिज के, अगर आपको इनको 3 से 4-5 दिन रखना है तो आप फ्रिज के अंदर इनको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। अब हमारा जो लड्डू है उसमें बाइंडिंग आ चुकी है, मेरा यहाँ 1/4 गिलास के करीब दूध लग गया है, तो मैं देखिए ये जो बचा हुआ दूध है अब मैं उसको क्या करूँगी, तो मैंने उसको भी इसमें डाल दिया है क्योंकि लड्डू हमारे एकदम माउथ मेल्टिंग होने चाहिए। तो ये देखिए हमारी जो सूजी है वो काफ़ी अच्छे से बाइंडिंग आ चुकी है उसमें और सारी चीज़ों को मैं फिर से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पर जितनी भी बड़ी साइज़ के आपको लड्डू बनाना है उतनी बड़ी साइज़ के आप लड्डू यहाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं, बस आपको इतना ही करना है, आपको सूजी को घी और थोड़ा सा दूध डालकर उसको प्रेशर कुक करना है, उसके बाद सूजी को थोड़ा सा गर्म करना है और उसमें डाल देना है चीनी या बूरा जो भी आप डालना चाहें। और देखिए एकदम कम घी में बिल्कुल परफेक्ट एकदम सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो ये हमारे जो 1 किलो सूजी मैंने इसमें डाली है और 1/2 किलो मैंने यहाँ पर इसमें चीनी डाली है, तो हमारे ये 1.5 केजी के करीब लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट मैंने बचा लिया था तो मैं उसमें इन लड्डुओं को कोट कर दूंगी, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, मैं थोड़े बहुत लड्डू ही कोट करूंगी, थोड़े बहुत मैं ऐसे ही रखूंगी क्योंकि किसी को ऐसे खाना पसंद है तो किसी को वैसे खाना पसंद है, तो आप जैसे चाहें वैसे आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे जो सूजी के लड्डू हैं वो बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं, आप जो भी साइज़ के बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो डाल सकते हैं और मीठा भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे 1 किलो सूजी के अंदर अगर आप 1/2 किलो चीनी डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा इसकी मात्रा को बढ़ा लीजिए, लेकिन अगर आप कम चीनी खाते हैं तो इतना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, आपको इसमें बिल्कुल भी कमी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हम मीठा बना रहे हैं तो भाई थोड़ा मीठा तो लगना ही चाहिए ना। तो ये देखिए हमारे जो सूजी के लड्डू हैं वो बिल्कुल परफेक्ट दानेदार और एकदम सॉफ्ट से लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। तो ये देखिए मैंने थोड़े बहुत रखे हैं ट्रे में, थोड़े बहुत मैंने लड्डू यहाँ थाली में भी रखे हैं, तो काफ़ी सारे लड्डू हो गए हैं बनकर तैयार। एक मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल आसानी से टूट रहा है और देखिए अंदर से भी काफ़ी दानेदार है और एकदम सॉफ्ट लड्डू बनकर हुए हैं तैयार। तो अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे ना तो सभी आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे, किसी भी ओकेशन पर या कभी गेस्ट आने वाले हो तो काफ़ी जल्दी से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।